हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन का वर्कशॉप। ये देख लीजिए, ये गोरखपुर जोन का वर्कशॉप है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जितनी भी डिब्बे होते हैं ट्रेन के, वो सारे इसी जोन यही गोरखपुर वर्कशॉप में ही आकर रिपेयर होते हैं। और यहाँ पर एक और जोन का जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, बहुत ही हाजीपुर वाला, हाजीपुर का कोई वर्कशॉप नहीं है, तो उसका भी ट्रेन के डिब्बे यहीं पर आकर रिपेयर होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन वालों के, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER का सारे डिब्बे इसी में आकर रिपेयर होते हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, ये क्रेन है, ये जो आपको पीला सा दिखाई दे रहा है ना, ये क्रेन है पूरा यहाँ से वहाँ तक का, पूरा ये यहाँ से वहाँ तक ये क्रेन है। इस हर एक लाइन से किसी भी, जैसे को जो ग्रीन वाली डिब्बा दिख रही है, ये इस गाड़ी को ट्रेन के डिब्बे को इसको खींच के अपने ऊपर लेके आएगा और ये घसकने इधर से उधर तक चला जाएगा। उधर सामने देखिए, एक पीला सा उधर लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको ट्रेन, वो भी क्रेन ही है, इतना ही चौड़ा, ये पूरा लंबाई पटरी पर खड़ा हुआ है क्रेन। एक इधर चक्के हैं और एक इसके इधर चक्के हैं, इधर भी चक्का है और एक इधर भी चक्के हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इस पर अपने ऊपर एक ट्रेन के डिब्बे, एक पूरे बोगी को ला लेता है और जिस भी लाइन में ट्रेन के डिब्बे को लेकर जाना होता है, चाहे कोनो किसी भी लाइन में, जिस लाइन में जो काम होता है उसमें ले जाकर ये उतार देता है। और वहाँ से फिर ये खींचने वाला भी इसमें बेल्ट भी लगा है, ये खींच के अपने ऊपर लेकर आ जाएगा, फिर खींच के उतार भी देगा और जिस लाइन में लेकर जाना होगा लेकर चला जाएगा। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला दूरी आपको ट्रेन दिखाई दे रहा है, ये हम सफ़र एक्सप्रेस का जो ट्रेन है उसके डिब्बे हैं। ये इनका रिपेयरिंग चल रहा है अभी जैसे ही तैयार हो जाएंगे, इसको किसी और ये क्रेन खींच के अपने ऊपर लेके आएगा और ले जा करके किसी और लाइन में रख देगा। जो देखिए लास्ट में वहाँ पर चढ़ के पेंट कर रहे हैं सब, दो आदमी, वो गरीब रथ ट्रेन के हैं डब्बे, उस पर चढ़ के पेंट कर रहे हैं, तो कंप्लीट हो चुका है वो, अब लास्ट पेंटिंग उसका बस चल रहा है, ऊपर का पेंटिंग हो जाएगा, उसके बाद ये खींच के ऊपर आएगा और ला के यहाँ पर रख देगा और यहाँ से ट्रेन खींच के लेके चली जाएगी इंजन। और यहाँ पर केवल डब्बे रिपेयर होते हैं, इंजन के लिए गोंडा में रिपेयरिंग हो चलता है, गोंडा में इंजन केवल रिपेयरिंग होता है, यहाँ पे केवल डब्बे ही रिपेयर होते हैं। ये देखिए, इस क्रेन का नाम है यूनिक क्रेन, इस क्रेन का नाम है। तो देख सकते हैं गोरखपुर जोन का वर्कशॉप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। टोटल इसमें मतलब कि एक मंथ में करीब 220 एक मंथ में लगभग 220 की 120 एक मंथ इसमें 220 गाड़ियाँ बता रहे थे। एक अफसर से हम बात किए हैं अभी, तो बोल रहे थे उनसे कि एक मंथ में 220 गाड़ी डब्बे पूरा गाड़ियाँ नहीं डब्बे रिपेयर होकर निकलते हैं इसमें से, और जिस जोन का रहता है उस जोन में चला जाता है, रेक में जाके लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे रिपेयरिंग चल रही है, कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन वर्कशॉप का है। मैं आप लोग को जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कैसे कैसे काम चल रहा है। यह है गोरखपुर वर्कशॉप, देखिए वो लोग जो आदमी चल रहे हैं ना, वो गरीब रथ ट्रेन का जो ग्रीन का, देखिए आदमी जो जा रहा है, दो लड़के और पेंटर हैं सब। फिर लास्ट स्टेज बचा है उन लोगों का पेंटिंग का, और पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद तो गाड़ी क्रेन पा के, पीली वाली क्रेन ये जो दिख रही है सामने, इस पे आकर लग जाएगी और लाके दूसरे लाइन में गाड़ी खड़ा कर देगा और वहाँ से इंजन खींच के लेके चला जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये रही इंजन, इस डब्बे को बनवाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए लेके आ रही है इंजन इस ट्रेन का डब्बे को। अब ये जहाँ भी लेके जाएगी रिपेयरिंग के लिए, देखिए लेके जा रही है, ऐसे ही खींच के लेके आएगी और लाइन में लगा देगी और उस क्रेन की मदद से उस ट्रेन को जिस भी लाइन में लेके जाना होगा, जैसे इस लाइन में ये ट्रेन ला के डब्बे ला के छोड़ देगी, अकेले जाएगा कहीं वर्कशॉप के अंदर। देखिए लेके जा रही है कैसे एक डब्बे को, ये रिपेयरिंग के लिए आ चुकी है। और एक डब्बा रिपेयरिंग होने के बाद से कई डेढ़ साल तक, एक साल तक बाद ही रिपेयरिंग सेंटर फिर वर्कशॉप में आता है। तो एक डब्बा मतलब डेढ़ साल के नीचे इधर रिपेयरिंग के लिए नहीं आता है, बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया वैसे घटना में तो बीच में आता, ला ही दिया जाता है, नहीं तो एक बार रिपेयरिंग होने के बाद से सीधे वो डेढ़ साल के बाद ही आता है। देख सकते हैं आप लोग, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख सकते हैं पूरा मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ। चलिए बस वीडियो कहीं एंड करते हैं, अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।